जय श्री राम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। दोस्तों आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं माता दी के नाम से, जय माँ वैष्णो देवी। आज हम लोग बात करने वाले हैं वैष्णो देवी की यात्रा की संपूर्ण जानकारी के बारे में। वैष्णो देवी जो कि भारत में माता का एक पवित्र स्थान माना जाता है दोस्तों, माता का यह स्थान जम्मू राज्य में त्रिकूट पर्वत जो कि कटरा के पास में स्थित है वहाँ पर है दोस्तों। आज मैं आप लोगों को वैष्णो देवी जाने के बारे में, वैष्णो देवी यात्रा के बारे में एक संपूर्ण इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो यदि आप लोग वैष्णो देवी जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहिए, जिससे कि आप लोग वैष्णो देवी की एक संपूर्ण जानकारी आप लोगों को मैं दे पाऊँगा। प्लीज़ दोस्तों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं वैष्णो देवी के पावन धाम की यात्रा को। आज मैं आप लोगों को दोस्तों वैष्णो देवी यात्रा की एक संपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें कि मैं आपको लोगों को बताऊंगा कि आप लोग वैष्णो देवी कैसे जा सकते हो, वहां पर कहां पर रुक सकते हो, यात्रा कैसे करना है, क्या खाना है, संपूर्ण जानकारी दोस्तों। आइए आप लोग इस वीडियो में आगे चलिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं वैष्णो देवी आप लोग किस तरह से जा सकते हो। दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि वैष्णो देवी आप लोग तीनों ही तरीकों से जा सकते हो, वो है बाय रोड, बाय ट्रेन या फिर बाय फ्लाइट। आपके पास में यह तीनों ही ऑप्शन अवेलेबल हैं दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि पहले कटरा के लिए आपको जम्मू तक ही ट्रेन मिलती थी, लेकिन अब इंडियन रेलवे ने डायरेक्ट कटरा की ट्रेन भी करीब करीब सभी शहरों से, सभी स्टेशन से स्टार्ट कर दी है। तो अगर आपको वहाँ से, आपकी जगह से आपको डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलती है दोस्तों, तो आप लोग पहले दिल्ली आ जाइए और दिल्ली से आपको वैष्णो देवी कटरा के लिए रोज़ की ही करीब 10 से 12 ट्रेन्स मिलती है दोस्तों, जो कि डेली बेसिस पर चलती है। तो आप लोगों को यहाँ पर ट्रेन से आने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, और मैं भी आपको यही रिकमेंड करूँगा दोस्तों कि आप लोग ट्रेन से ही आएँ, क्योंकि दोस्तों ट्रेन से आना आपके लिए सुविधाजनक भी रहेगा और यह आपको काफ़ी किफ़ायती भी पड़ेगा दोस्तों। जैसे कि यदि आप लोग कहीं से भी ट्रेन का सफ़र करते हैं दोस्तों, मान लीजिए कि आप 1000 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं, तो आपको मुश्किल से दोस्तों 650 रुपये ही रहेगा। इसलिए दोस्तों आप लोग ट्रेन से ही आएँ। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं दूसरे ऑप्शन की, जो कि है बस या फिर बाई रोड। यदि आप लोग अपनी खुद की गाड़ी से आते हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है दोस्तों, आप लोग बाई रोड आसानी से कटरा पहुँच सकते हो। और यदि आप लोग बाई बस आना चाहते हो तो बस के लिए भी दोस्तों पहले आपको जम्मू आना होगा, फिर जम्मू से आपको कटरा के लिए बस मिल जाएगी। जम्मू से कटरा दोस्तों अराउंड 60 किलोमीटर रहता है, जो कि आप लोग आराम से 2 घंटे में जम्मू से कटरा बस से पहुंच सकते हो दोस्तों। बस का आम तौर पर फेयर दोस्तों 200 रुपीस रहता है। तो दोस्तों यह तो था आपका बस का सफ़र, और अब शुरू करते हैं या फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ दोस्तों कि आप लोग बाई फ्लाइट वैष्णो देवी कैसे पहुँच सकते हो। तो दोस्तों वैष्णो देवी से सबसे पास में जो एयरपोर्ट है वो है दोस्तों पठानकोट। लेकिन दोस्तों पठानकोट के लिए आप लोगों को इंडिया की मेजर सिटीज से फ़्लाइट नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर आप लोगों के पास में जो ऑप्शन रहता है वो ये रहता है दोस्तों कि आप लोग या तो आप लोग दोस्तों चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर आइए, या फिर दोस्तों आप लोग चंडीगढ़ ना जाकर भी अमृतसर एयरपोर्ट पर उतर सकते हो। दोस्तों आपको अमृतसर या फिर चंडीगढ़ दोनों ही जगह से वैष्णो देवी जाने के लिए कैब और बस सर्विसेज आसानी से मिल जाएगी ऑन डेली बेसिस। यहाँ से आपको दोस्तों माता के दरबार में जाने के लिए कोई परेशानी नहीं होगी, आप लोग आराम से कटरा पहुँच सकते हो। तो दोस्तों अब अगली बात जो यहाँ पर आती है वो आती है कि आप लोग स्टे कहाँ पर करेंगे। तो दोस्तों पहुँचने के बाद में अब जो आपका यह क्वेश्चन है उसके बारे में बताना चाहूँगा कि स्टे के लिए मैं एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगा, जिसमें कि दोस्तों मैं आप लोगों को संपूर्ण होटल्स की या फिर कुछ बजट होटल्स जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे रहेंगे उनके बारे में जानकारी लेकर आऊँगा दोस्तों, कि उनकी लोकेशन क्या है, वहाँ पर क्या टैरिफ रहने वाला है आपका दोस्तों। वैसे दोस्तों आपको वैष्णो देवी में या फिर कटरा में होटल्स 300 से 800 रुपये के बीच में बहुत ही अच्छे होटल्स मिल जाएंगे, तो इस चीज़ की कोई प्रॉब्लम वहाँ पर आपको नहीं आने वाली है दोस्तों। तो दोस्तों अगली चीज़ जो कि आप लोग यदि कहीं पर भी जाते हो घूमने तो आपके सामने आती है कि खाना कैसा होगा। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि वैष्णो देवी में आपको बिना लहसुन प्याज के शुद्ध और सात्विक खाना ही मिलेगा। इसलिए यदि आप लोग टेस्ट के शौकीन हैं दोस्तों, तो आप लोग
पराठों को रिफर कीजिए दोस्तों, या फिर आप लोग दोस्तों यहाँ पर राजमा चावल वगैरह जैसी चीज़ें भी खा सकते हैं, जिनके अंदर के आमतौर पर घरों पे भी प्याज की इतनी ज़रूरत नहीं होती है। यह चीज़ यहाँ पे दोस्तों आपके लिए काफ़ी किफ़ायती और बेस्ट रहेगी। इसका बजट दोस्तों आपको अराउंड 100 to 150 रुपीज़ पर पर्सन रहेगा दोस्तों। इसमें आप आराम से खाना खा सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा खाना मिलेगा। खाने में दोस्तों यहाँ पे आपको किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं मिलेगा, बिल्कुल घर जैसा खाना आप लोगों को माता वैष्णो देवी के दरबार में मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों अब यहाँ पर बात आती है यात्रा शुरू करने की। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि यात्रा शुरू करने के लिए आपको सबसे पहले यात्रा पर्ची निकलवाना होगी, जो कि आपको दोस्तों यात्रा पर्ची काउंटर्स से आराम से निकल सकती है, या फिर यदि आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को ऑफलाइन नहीं निकालनी है तो दोस्तों आप लोग यात्रा पर्ची ऑफलाइन भी निकाल सकते हैं और ऑनलाइन भी निकाल सकते हैं। ऑनलाइन निकालने के लिए दोस्तों आप लोग वेबसाइट पर जाइए माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की, आपको वहाँ से पर्ची मिल जाएगी और दोस्तों यह पर्ची फ्री ऑफ चार्ज है, इसका कोई चार्ज नहीं रहता है। दोस्तों यात्रा पर्ची लेने के बाद में आप लोगों की यात्रा शुरू हो सकती है। दोस्तों मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि आप लोगों के पास में यात्रा के लिए चार ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन तो जो है दोस्तों वो है आपके पास में कि आप लोग पालकी से भी यात्रा कर सकते हैं, जिसका कि कॉस्ट आपको 1700 रुपीज़ रहेगा दोस्तों। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों कि आप लोग खच्चर से भी यात्रा कर सकते हैं, जिसका कि कॉस्ट आपको 1200 रुपीज़ रहेगा। और हेलीकॉप्टर से भी दोस्तों आप लोग यात्रा कर सकते हैं, जिसका कि कॉस्ट अराउंड 2800 रुपीज़ रहता है। वैसे मैं जो रिकमेंड करूँगा वो रास्ता है दोस्तों पैदल जाने का, क्योंकि दोस्तों आप लोग माता के दर्शन के लिए जा रहे हैं तो थोड़ा कष्ट तो आपको उठाना ही पड़ेगा, तभी तो माता आपको आपकी मेहनत का फल देगी दोस्तों। इसलिए मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा दोस्तों कि आप लोग पैदल जाएँ, आनंद लेते लेते जाएँ, जय माता दी बोलते जाएँ और माता के दरबार में अपनी हाजिरी लगवाएँ। पैदल जाने के लिए भी दोस्तों दो रास्ते हैं, एक तो वो है जो बाणगंगा से जाता है पुराना वाला रास्ता, और एक नया रास्ता है जो कि ताराकोट से होते हुए जाता है। वैसे मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग नए वाले रास्ते से जाइए, यह रास्ता बड़ा ही स्वच्छ रास्ता है दोस्तों, यहाँ पर आपको चलने का भी मज़ा आएगा और ज़्यादा आपको थकावट भी महसूस नहीं होगी। इस रास्ते पर दोस्तों जाते वक्त आप लोगों को माता के दरबार के श्राइन बोर्ड का लंगर भी मिलता है दोस्तों, जहाँ पे कि आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट दोस्तों खाना खा सकते हो। यहाँ पर आपको बहुत ही शानदार खाना मिलेगा दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों रास्ते पर ही आप लोगों को बहुत सारे रेस्टोरेंट्स, चाय नाश्ते की जगह दुकानें, मैगी पॉइंट्स, कैफेस वगैरह भी मिलते हैं, जहाँ पे कि आप लोग रुक के आराम भी कर सकते हो दोस्तों। साथ ही दोस्तों आप लोग कुछ रिफ्रेशमेंट भी लेके वहाँ पे खा सकते हो दोस्तों। साथ ही दोस्तों आप लोगों को श्राइन बोर्ड के रेस्टोरेंट्स भी मिल जाएंगे, जहाँ पर कि रेट फिक्स है श्राइन बोर्ड की तरफ से, ये रेस्टोरेंट्स रहते हैं दोस्तों और मिनिमम चार्जेस पे आपको खाना मिल जाता है। साथ ही दोस्तों आपको पूरे रास्ते पर हॉस्पिटल, वॉशरूम, वाटर कूलर जैसी सभी सुविधाएँ मिलती है। आप लोग यदि चाहो तो आराम करने के लिए दोस्तों कुर्सियाँ भी लगी हुई आप लोगों को मिल जाएगी। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि पैदल यात्रा में नॉर्मली 6 से 7 घंटे लगते हैं, जिसमें कि आप लोग आराम से भवन तक जाके और वापस आ सकते हैं। इसमें कोई भी आपको दुविधा नहीं होगी दोस्तों, बहुत सरल और अच्छा रास्ता बन चुका है वहाँ के लिए। तो दोस्तों अब यात्रा के मध्य में आप लोग पहुँचेंगे अर्धकुंवारी। अर्धकुंवारी दोस्तों वो गुफा है जहाँ पर कि माता वैष्णो देवी ने 9 महीने निवास करा था। अर्धकुंवारी में आपको गर्भगृह के दर्शन करने के बाद ही आगे बढ़े दोस्तों, क्योंकि यहाँ के दर्शन बहुत ही शुभ मनाए जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको दर्शन से पहले टोकन लेना होगा। कभी कभी दोस्तों पीक सीजन में टोकन का नंबर आने में दोस्तों 10 से 12 घंटे भी लग जाते हैं, और नॉर्मली दोस्तों 6 से 7 घंटे में भी आपका नंबर आ जाता है, जिससे कि आप लोग आराम से अर्धकुंवारी के दर्शन कर सकते हैं। वैसे दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप लोग अर्धकुंवारी के दर्शन में यदि आपको 10 से 12 घंटे लग रहे हों तो आप लोग पहले भवन जाके वापस आ जाइए, फिर आप लोग अर्धकुंवारी के दर्शन कीजिए। और दोस्तों यदि आप लोग अर्धकुंवारी में रुकना चाहते हैं तो आप लोगों को यहाँ पे होटल डॉर्मेट्री की व्यवस्था भी मिल जाएगी, जिसकी की बुकिंग दोस्तों आप लोग ऑनलाइन कर सकते हैं, यह बहुत ही सुविधाजनक रहेगा। दोस्तों यहाँ से फिर आपको भवन के दर्शन के लिए आगे बढ़ना है और इसके बाद आप लोग भवन पर जाइए दोस्तों। दोस्तों मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि भवन पर जाने से पहले, भवन से थोड़ा ही पहले आप लोगों को जूता और आपका जो भी इम्पोर्टेड बिलोंगिंग्स है उनको रखने के लिए दोस्तों आप लोगों को लॉकर फैसिलिटी मिल जाएगी दोस्तों, जिसमें कि आप लोग अपनी सभी बिलोंगिंग्स को सेफ्टी के साथ में रख सकते हैं दोस्तों।
इसमें दोस्तों कुछ भी नहीं है, आप लोगों को बस जाके अपना एक सामान रखना है, वहाँ पे आपको ताला लगा हुआ मिलेगा, उसकी चाबी आप लोग ताला लगा के अपने साथ में लेकर जा सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों जब आप लोग भवन से दर्शन कर लेंगे, उसके बाद में आप लोगों को जाना होगा दोस्तों भैरव बाबा के दर्शन के लिए। मैं यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को बताना चाहूँगा कि भैरव बाबा के दर्शन अत्यंत आवश्यक हैं, तभी आप लोगों को वैष्णो देवी यात्रा का संपूर्ण फल मिलेगा दोस्तों। पहले दोस्तों भैरव बाबा मंदिर भी पैदल ही जाना होता था, लेकिन अब श्राइन बोर्ड ने यहाँ पर भी रोप वे की सुविधा उपलब्ध करवा दी है, जिसका कि चार्ज दोस्तों 100 रुपये है, जिसमें कि आप लोगों का आना जाना दोनों हो जाएगा, और इससे काफ़ी आसानी भी होगी दोस्तों आप लोगों को, क्योंकि भैरव बाबा की पहाड़ी की जो चढ़ाई है वो भवन से सीधी चढ़ाई थी, इस वजह से दोस्तों भक्तों को बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब कोई परेशानी नहीं है, आप लोग रोप वे से आसानी से वहाँ जा सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों अब यहाँ पर बात आती है कि वैष्णो देवी के दरबार में जाने के लिए बेस्ट सीज़न कौन सा है। दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, पीक सीज़न जो रहता है वैष्णो देवी के लिए वो रहता है दोस्तों नवरात्रि में। तो दोस्तों आप लोग दोनों ही नवरात्रि में यहाँ ना जाएं, यदि आप लोगों के मन में श्रद्धा है और आपको जाना ही है तो आप लोग जा सकते हो। इसके अलावा दोस्तों बारिश में भी यहाँ पर ना जाएं, क्योंकि भूस्खलन का खतरा बना हुआ रहता है दोस्तों। आप लोग ये दो टाइम को छोड़कर दोस्तों यहाँ पर कभी भी जा सकते हो माता रानी के दर्शन के लिए। इसके बाद में दोस्तों बात आती है कि कितने दिनों के लिए जाएँ, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा दोस्तों कि 4 दिनों के लिए जाएँ। एक दिन तो दोस्तों माता रानी के दर्शन में हो जाएगा, और बाकी के दिनों का दोस्तों जो लोकल साइट सीइंग प्लान है वो मैं दोस्तों आप लोगों को अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों अगर मैं इसी वीडियो के अंदर आपको वो भी बताना चाहूँ तो भी नहीं बता सकता दोस्तों, वरना क्या रहेगा कि ये वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी और फिर दोस्तों आप लोगों को मैं पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाऊँगा। अलग से मैं जो वीडियो बनाऊँगा दोस्तों मैं उसमें आप लोगों को एक संपूर्ण जानकारी दूँगा। दूसरी बात यहाँ पे आ जाती है दोस्तों कि क्या बजट रहेगा, तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि पर पर्सन 2000 रुपये बजट बहुत है दोस्तों, यह एक सफिशेंट बजट है जिसमें कि आप लोगों की यात्रा पूरी हो जाएगी। इसमें दोस्तों मैं आप लोगों को ये नहीं जो आप लोगों का आने जाने का फेयर है वो काउंट नहीं कर रहा हूँ। साथ ही दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि प्रसाद लेने के लिए आपको कोई हेक्टिक नहीं है, आप लोग भेंट शॉप से आसानी से प्रसाद ले सकते हो दोस्तों। भेंट शॉप दोस्तों श्राइन बोर्ड की अपनी ही है, यहाँ पर आपको 25 रुपये, 40 रुपये, 10 रुपये अलग अलग के पैकेट मिलते हैं दोस्तों, आप जैसा चाहें जितनी क्वांटिटी में चाहें अपनी मर्जी से प्रसाद ले सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप लोगों की वैष्णो देवी यात्रा सफल रहे और मंगलमय रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो दोस्तों, प्लीज़ शेयर द वीडियो एंड लाइक द वीडियो, प्लस सब्सक्राइब द चैनल। आप लोगों के सब्सक्राइब करने पर ही दोस्तों हमें आगे भी सपोर्ट मिलता रहेगा, सो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द।